ताज्जुब होगा कि साहब, हम जाति में बटे हुए हैं, हम संप्रदाय में बटे हुए हैं, हम संकीर्ण धार्मिक सोच में बटे हुए हैं, हम संकीर्ण राजनीति में फंसे हुए हैं और हम अंधभक्त भी बने हुए हैं, इस माहौल में हम 100 करोड़ कैसे होंगे? ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि नहीं है? बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखो, ना तो आपको पैसे लग रहे हैं, ना कुछ रहे, ना कुछ, ना आपका सोच, ना चिंतन, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं, तो आप महापरिवर्तित भारत के लिए आपकी जो भी सोच हो, चाहे वो जाति के बारे में हो, चाहे वो धर्म के बारे में हो, चाहे वो संप्रदाय के बारे में हो, चाहे संकीर्ण राजनीति के बारे में हो, आप किसी के भी अंधभक्त बने रहिए, क्या मैं उसमें किसी तरीके का बदलाव कर रहा हूँ? नहीं, मैंने कोई बदलाव करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं। बस मैं तो सिंपल एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ कि आपको अच्छा भारत चाहिए, मैं दे दूंगा, तो मैं कुछ नहीं करना है, बस ये जो 4 हमने उपाय बताए हैं ये कर लो और संकल्प और शपथ के साथ करो। बिल्कुल ठीक कह रहे सर आप। राइट, अब मैं आपको समझाऊंगा कि हम कितनी आसानी से 100 करोड़ होंगे और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, लेकिन उसे संकल्प लेना है, शपथ लेना है और प्रयास जरूर करना है। यदि प्रयास करने के बावजूद भी वो यदि एक व्यक्ति को नहीं जोड़ पाता है तो उसे कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प, शपथ और प्रयास के बाद 90 करोड़ लोग भी यदि एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तब भी ये मॉडल सफल है, 100 करोड़ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉरवर्ड जर्नी समझाता हूँ, फिर बैकवर्ड जर्नी समझाता हूँ। फॉरवर्ड जर्नी ये है कि यदि ये माने कि आपके जो रामजी दुबे जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, जो परमजीत डंग जी जुड़े हुए हैं और मैथिली शरण गुप्त जुड़े हुए हैं, यदि हम और 7 लोगों को जोड़ लें, राइट, अभी इसी चर्चा में, तो हम 1+9 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और ये 9 लोगों ने ही संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, वो भी 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ। तो आज हम रात तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। ये 10 लोगों ने संकल्प और शपथ ली है जो 4 उपायों के तहत, वो 10 लोगों को जोड़ेंगे तो कल, और ये 9 दिन का प्रयोग है केवल, तो कल हम ये 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर। तीसरे दिन जो 100 लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर। चौथे दिन जो 1000 लोग 10 को जोड़ेंगे 10000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर। पांचवे दिन तो 10000 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 1,00,000 हो जाएंगे कि नहीं होंगे सर। छठवें दिन जो 1,00,000 लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम 10,00,000 हो जाएंगे कि नहीं जी सर। सातवें दिन जो 10,00,000 लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम 1 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं सर। आठवें दिन जो 1 करोड़ लोग 10 को जोड़ेंगे तो हम 10 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं जी सर। और नौवें दिन जो 10 करोड़ 10 को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं होंगे सर। पूरी प्रक्रिया में ना हमने आपको कोई तकलीफ दी, ना आपसे धन लिया, ना आपको कुछ करने के लिए कहा, ना आपकी सोच बदली, ना चिंतन बदली, और इस सरल उपाय करने में भी आपको 10 लोग जो जोड़ रहे हैं वो आपके कोई बाहरी लोग नहीं हैं, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी और आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन काम है? नहीं, कोई कठिन काम नहीं। चलिए, तो जाति में बटे हुए, धर्म में बटे हुए, संप्रदाय में बटे हुए, संकीर्ण राजनीति में बटे होने के बावजूद भी ये 100 करोड़ का ध्येय क्या कठिन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर कठिन। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके समझने की कोशिश करते हैं। हम 9वें दिन 100 करोड़ हो रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है इन 90 करोड़ को जोड़ने के लिए कोई दिन नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब है जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें संकल्प लेना है, शपथ करना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तो उन्हें मायूस नहीं होना है। जी, क्लियर है कि नहीं? जी बिल्कुल। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास केवल एक ही दिन है, 9वां दिन, तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है, तो पूरे 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है। और वो कौन से लोग हैं?
आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी और जिन संगठनों से आप बरसों बरस जुड़े हुए हैं उनके 10 लोगों को जोड़ना है और वो केवल 9 करोड़ लोगों को जोड़ना है। क्या कठिन है? नहीं सर, कोई कठिन नहीं। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वें और 9वें दिन 2 दिन 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए हैं, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7वां, 8वां, 9वां, 3 दिन है और 10 के मान से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जी। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 4 दिन है तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। 4वें दिन जो 9,000 लोग जुड़े थे उनके पास 5 दिन है तो 5 दिन में 10 के मान से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। जी सर। केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है, राइट? तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे, राइट? दूसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे उनके पास जो है, नहीं तीसरे दिन उनके पास 6 दिन है तो 900 लोगों को जो है ना 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास जो है 8 दिन है तो सॉरी 7 दिन है तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे वो तो पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन और बचे हुए हैं तो केवल 9 लोगों को ही 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने जिन्होंने ये अभियान चालू किया उनके पास पूरे 9 दिन हैं तो 10 के मान से मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने 1723 लोगों को जोड़ दिया है। जी। तो यदि मंजीत डंग तैयार कोशिश करेंगे, यदि रामजी दुबे कोशिश करेंगे, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को और अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत देने के लिए, जहां आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, पानी फिर से जो है 9 फीट पर आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएंगी, जहां गायों को घूमने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, जहां गौशालाएं होंगी, जहां पर मधुर बांसुरी और वैदिक मंत्र चलेंगे, जहां गायों की मसाज करने के लिए यंत्र लगे होंगे, नहलाने के लिए और सजाने के लिए व्यवस्था होगी, जहां पे प्रतिदिन जैसे आप गंगा आरती करते हैं ऐसे ही गायों की आरती होगी। आज हमारी गायें जो है घूरे पे बैठी हुई हैं, रोड पे बैठी हुई हैं, जिन्हें चोट लग रही है और वो यातायात में बाधा कर रही है, ऐसा महापरिवर्तित भारत आपको चाहिए? जी सर, बिल्कुल चाहिए ना, होना चाहिए सर, बढ़िया। तो मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे 2 मॉडल निकाले हैं जिसके तहत आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपने आप मिल जाएगा। और भ्रष्टाचार करना भी किसी के लिए संभावना नहीं होगी तो इसके लिए जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत बना दिया जाएगा। आप बताओ यदि पेपर करेंसी गायब हो जाएगी तो क्या कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। क्या कोई हवाला कांड कर पाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग जो है जो कि विदेशों के फंड